विद्या देवी तुस घर का सर्कल तुंदा कि चलता घर का गुजारा कि चलता इस तरह से ये बुढ़ी माँ अकेली रहती है, क्या कहना? यही कहते हैं खाना इसको दो टाइम हम देते हैं और उसकी सेवा भी करते हैं, बीमार हो जाए दुआ दारू भी हम करते हैं, इसका है कोई नहीं, ना बच्चा ना कोई ना घर वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान जम्मू और मैं हूं राज संगोत्रा। इस वक्त हम अखनूर वार्ड नंबर 3 में मौजूद हैं। आज हम आपको एक ऐसी खबर बता रहे हैं जिसके साथ आपकी भी आंखें नम हो जाएगी। आज हम आपको लेके आए हैं बरूटा मंडी में, जो कि एक बूढ़ी माँ है, गरीब माँ है, जिसका ना कोई सहारा है। तो आज हम आपको उसी के घर में लेकर आए हैं। ये उस बूढ़ी माँ का घर है जिसका कोई सहारा नहीं है और अकेली माँ यहाँ पर रहती है। और इस माँ का आप देख सकते हैं इस माँ की हालत, जो कि रहती है और इनका कोई देख रेख वाला कोई भी नहीं है। यहाँ के मोहल्ले के ही हैं स्थानीय लोग जो इनकी सेवा करते हैं और यहाँ पर ही रहती है। शायद इनका भी कोई बेटा होता तो इनकी सेवा कर रहा था, शायद इसकी कोई बेटी होती तो इसकी सेवा करती। आज इस बूढ़ी माँ, इस गरीब बूढ़ी माँ का घर आप देख सकते हैं। ये लाइव विजुअल तस्वीरें मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा। ये बूढ़ी माँ का ये पूरा घर है, जो कि अब ये तीनों में ये इस घर में रहती है, तीन वाले कमरे में रहती है। और अपना घर का गुजारा किस तरह से चल रहा है ये हम आपको बताएंगे, किस तरह से ये रहती हैं माँ अकेली इस घर में रहती हैं और इसी माँ का कोई सहारा नहीं है। हमारे जो भी हमारी ये वीडियो देख रहा होगा शायद उसकी भी आंखें नम हो जाएगी। ये माँ हमेशा इस जगह पर, गरीबी जगह पर रहती हैं, ये उनका घर है। मैं आपको बता रहा हूँ ये माँ यहाँ पर बैठ के, इसी चूल्हे पर बैठ के यहाँ पर खाना बनाती है अपना। ये चूल्हा है जहाँ पर माँ अपना खाना बनाती है और अकेले रहती है। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे। आज हम इसी माँ से आपको मिलाने जा रहे हैं, इसी माँ से हम बात भी करेंगे। माँ यहाँ पर अकेली रहती है। माँ जी के नाम तुंदा? विद्या। विद्या देवी ते तुस घर का सर्कल तुंदा कि चलता, घर का गुजारा कि चलता? कौन दिंदे? बजारा लैंदे। रो आए कैली आई। आप देख सकते हैं माँ की आंखों में आंसू। यहाँ पर हमने जैसे बात करने की कोशिश की और माँ की आंखें नम हो गई। और जहाँ यही कह रहे हैं कि अगर मैं बाज़ार में जाती हूँ वहाँ पर कोई 10-20 रुपए दे देता है जिनके का साथ इनका गुजारा चल जाता है। और इस माँ की हालत का कौन ख्याल रखेगा, मगर ये मोहल्ले वाले, अब मैं इनको नमन करता हूँ, इन मोहल्ले वालों को सल्यूट करता हूँ जो इस माँ की देख रेख भी कर रहे हैं। इस माँ माँ जी तो से दी जेड़ी बुढ़ापा पिछले गौरमेंट ने लाई लभदी है? आहो लभदी है। ते मकान आले तुंदे कोल आए कोई मकान मकून बना ले आले तुंदे कोल? ना कोई नहीं आया? ना। ठीक है, हम मोहल्ले से भी बात करेंगे। वो उनका मोहल्ले वालों का कहना है, आए हैं 2-3 साल पहले आए थे, यहाँ पर लिख के चले गए हैं, तो इन्होंने मकान के लिए बोल दिया है मगर अभी तक मकान नहीं बना हुआ है इनका। अभी भी ये माँ यहाँ पर बैठी है,
इनकी आंखों में आंसू देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा किस तरह से इनका घर का गुजारा जो चलता है वो इनको ही पता होगा। जैसे कि मोहल्ले वाले भी कभी इनको 10-5-20 रुपए की इनकी भी मदद कर देते हैं। इनका घर का गुजारा आप देख सकते हैं। इसी घर के अंदर एक बूढ़ी माँ अकेले रहती है। ये माँ का बिस्तर है, मैं आपको बता दूँ, ये माँ की खट पड़ी हुई है। यहाँ पर माँ रात को सोती है और एक ही पंखा है, और ऊपर से आप देख सकते हैं इतनी गर्मी है, गर्मी के बावजूद यहाँ पर टीने पड़ी हुई हैं। ये टीने पड़ी हुई हैं, यहाँ पर प्रशासन के अगर अधिकारी देख रहे होंगे तो इस गरीब माँ की अगर कोई हेल्प करने के लिए होगा तो उनकी भी आंखें नम होगी। और माँ की कोई भी अगर उसका सहारा, माँ का कोई सहारा बनना चाहता है और माँ की कोई सेवा करना चाहता है तो हम अपने चैनल के माध्यम से हम आपको यही बता रहे हैं, इस माँ की कोई भी हेल्प करे। बात करूं तो मैं जब भी पहले फर्स्ट कोरोना वेव आई थी तो सबने बढ़ चढ़ के बड़े बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी एनजीओ आए, तब भी इनकी कोई मदद करने वाला कोई नहीं था। इसी बूढ़ी माँ की अगर मैं बात करूं, इस बूढ़ी माँ की अगर जितनी से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वीडियो हो तो वो करें ताकि इस माँ की कोई हेल्प करे, डोनेट करें इन माँ को। इसी वक्त हमारे साथ पूरा मोहल्ला है जो कि इस माई की सेवा भी करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं। वो 2-4 जो कि पैसे होते हैं उनको डोनेट भी करते हैं, इनकी ही देख रेख करते हैं। बाबा जी, इस तरह से ये बूढ़ी माँ अकेली रहती है, क्या कहना आपका? हम यही कहते हैं खाना इसको 2 टाइम हम देते हैं और उसकी सेवा भी करते हैं। बीमार हो जाएगा दवा दारू भी हम करते हैं। इसका है ही कोई नहीं, ना बच्चा ना कोई, ना घर वाला कोई नहीं है इसका, तो सब हम मोहल्ले वाले इसकी देखभाल करते हैं। तो बाबा जी, जैसे कि ये गरीब माँ हैं, इनका कोई देख रेख नहीं करता, आप इनकी देख रेख करते हैं, आपको सलूट है जो आप इस माँ को आप हेल्प करते हो। और पूरा मोहल्ला ये आप देख सकते हैं, जितना भी मोहल्ला इनको देखते हैं। बाबा जी, अगर किसी ने अगर इनकी मदद करनी हो तो किस तरह से करें, क्या कहना चाहोगे आप? मदद करें, कोई गरीब की मदद जो करने वाला हो अच्छा आदमी होता है, करें तो ठीक है, नहीं करें तो हम भी मोहल्ले वाले तो करते रहते हैं। जो रोटी वाटी जो बनती है हम उसको देते हैं, और बाजार भी जाती है, बाजार वाले भी इनकी मदद करते हैं। इनका कहना है कि जो बाजार के लोग हैं वो भी इनकी मदद करते हैं। जो आप माई को देख रहे हैं, इस माई का ना कोई सहारा ना कोई किनारा, बस यही है उसकी माँ का घर, मैं आपको बता दूं। इसके साथ साथ तो मैं आपको इस माई के अकाउंट नंबर भी आपको सेक्शन में दे दूँगा, वीडियो में दे दूँगा। अगर कोई अपनी तरफ से कोई डोनेट करना चाहता है इस माँ को कर सकता है, और इस माई का एड्रेस भी मैं आपको वीडियो में दे सकता हूं। अगर आप कोई आके भी माई की हेल्प कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? जो मैं अच्छा वर्क करूँ, जब बीमार हो जाती है बेचारी तो इसको मैं दवाई दारू उधर से फ्री ले देती हूं, डॉक्टर से बात करके इसको दवाई भी ले देती हूं। बेचारी हूँ, नजरी भी घट लगता है इसको, आँखी भी नहीं लगता है, मैं आँख भी बनवा देते हैं, जाती नहीं है, तो चलो लोग थोड़ी थोड़ी मदद कर देते हैं सभी। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री घर घर में घर बना रही हैं, इस माई का घर भी नहीं है, टीनों पे रह रही है, आपका क्या कहना है इसमें? इसको लेंटर डाल के दे दें तो टीना चौथियाँ भी बारिश आती है, सारा पानी अंदर आता है। नहीं, प्रशासन से कभी, प्रशासन के लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर इन्होंने देखा? कभी देखा है, बड़े बारी देखा है उसने, तो बोलते हैं पा देंगे, लेंटर पा देंगे, चले जाते हैं देख के, चले जाते हैं, खाली आते हैं, फिर चले जाते हैं देख के। कितने साल पहले आए थे फिर? 10-12 साल हो गए हैं। इसी तरह माई इधर ही है, इसी तरह आते हैं देखते चल जाते हैं। तो इधर माई खाना खुद बनाती है? हाँ, खुद बनाती है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा मोहल्ला इसी माई की देख रेख करता है। अगर आप भी हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो आपकी आंखें नम हो रही होगी, तो आप इस माई की हेल्प जरूर करें। माई जी, मेरी गल सुनो, अगर कोई तुंदी हेल्प करना चाहता है तो क्या आखना चाहते हो? उन्हें जे माई नहीं बोल सकती तो मैं आपके साथ अनुरोध करता हूँ, अगर आप भी किसी की मदद करनी है तो आप भी इस माई की मदद कर सकता है हमारी वीडियो के माध्यम से। मैं राशन गोत्रा कैमरामैन रोहित के साथ अखनूर से, सावधान जम्मू।